औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अरमान अकरम और आज हम MGT 603 का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल वीवी दुरमान को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। ठीक है, आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने ग्रांट एक्टिविटीज़ करानी हो और आपकी असाइनमेंट सॉल्व करानी है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रब्ता कर सकते हो। आगे चलें जी। अच्छा, एडमिशन पर डे तो मैंने पिछले लेक्चर में, अब हमने करेक्टिसिटी पढ़ना है मिशन की। अफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट मतलब बोर्डिंग स्कोप होता है, इसमें बोर्ड में एक स्कोप होता है। जारी बात है कि मिशन स्टेटमेंट जो भी मिशन का ऑब्जेक्टिव होता है आपको बोर्ड में पता होना चाहिए। जनरेट रेंज ऑफ द फिजिबिलिटी स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, मतलब जो भी आपकी रेंज बनती है आपकी जनरेट करने की या फिजिबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव की, कि जिस क्या रेंज है जो इसकी आपके स्कोप क्या रेंज जनरेट कर सकता है, किस रेंज तक जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बताई जाती है, मतलब आपने किस तरीके से जनरेट रेंज ऑफ द फिजिबिलिटी, क्या आपने जो मिशन बनाया उसकी फिजिबिलिटी है अभी कि हमारे पास उसको जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, हम ये कह रहे हैं। नॉट एक्सेसिवली स्पेसिफिक, मतलब एक इतना ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसकी कास्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाए। रिकॉन्स इंटरेस्ट अमंग दी डिवर्स शेयर होल्डर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है अमंग रिकॉन्स ना होना चाहिए, मेरी कॉन्सलेशन नहीं हो, मतलब रिकॉन्स दोबारा से ना वो डिवर्स हो सके। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका फैक्ट होना चाहिए। फाइनली बैलेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरलिटी, मतलब जो आपका फाइनली बैलेंस होना चाहिए वो स्पेशलिटी होनी चाहिए और जनरलिटी होनी चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए ना, एक जनरलिटी भी होनी चाहिए और स्पेशलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये कह रहा। अफेक्टिव स्टेटमेंट में देखिएगा आरसीयूस पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपकी जो मिशन स्टेटमेंट में आपकी फीलिंग पॉजिटिव इमोशन भी पॉजिटिव होने चाहिए। मोटिव्स रीडर टू द एक्शन, जो आपके रीडर्स हैं लेके चल रहे होते हैं उसको मोटिव करें, उसके ऊपर एक्शन करें। जनरेट द इम्प्रेशन ऑफ डैट फर्म इज सक्सेसफुली, मतलब आपका इस तरह इंप्रेशन होना चाहिए कि आपने फर्म को सक्सेसफुली लेके चल सकें। हैज़ डायरेक्शन एंड वर्थली ऑफ द टाइम सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसका मतलब होता है कि आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वाथली होनी चाहिए, टाइम के मुताबिक सपोर्टिव होनी चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू होनी चाहिए, मतलब आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए तो कामयाबी की तरफ लेके चलना है। तो आपने अफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट में ये भी आ जाता है कि रिफ्लेक्ट जजमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ, आपकी रिफ्लेक्ट करें जजमेंट को, क्या जजमेंट चाह रही है और आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या चाह रही है। पॉजिटिव क्राइटेरिया फ्लेक्स सेलेक्टिव कैटेगरी स्ट्रेटजी, कि आपकी जो सेलेक्ट स्ट्रेटजी करनी है आपकी, तो उसका क्राइटेरिया एक रखना चाहिए कि क्या एक स्ट्रेटजी अप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, क्या हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही। बेसिस फॉर द जनरेटिंग एंड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑप्शन, आपके पास जो आपकी स्ट्रेटजी बना रही है ऑप्शन के लिए, उसके ऑप्शन ये होना चाहिए कि आप उसको देख सकें। स्क्रीनिंग का मतलब तो उसको जज ऑब्जर्व कर सकें, जनरेटिंग कर सकें, क्या हमारी जनरेटिंग स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी पर ऑप्शन है कि नहीं है जो हम इस मिशन स्टेटमेंट को अडाप्ट करेंगे कि नहीं। आर डायमेनिक ओरिएंटेशन, मतलब डायमेनिक ओरिएंटेशन की होने तरक्की तरीके से होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वन मिशन स्टेटमेंट जो होती है, डिफाइंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब आपने ये डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू बी, मतलब कितनी ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर है इसको डिफाइन करना है। ये सवाल है साहब के, लिमिटेड टू दी एक्सक्लूड सम वेंचर्स, ठीक है, आपने कौन से एक्सक्लूड करना चाहिए, कौन से निकालोगे वेंचर्स लिमिटेड में। बोर्ड इनफ टू दी टू अलो फॉर द क्रिएटिव ग्रोथ, आपने अलो करना है बोर्ड नो इनफ अलो करना क्रिएटिव ग्रोथ के लिए, मतलब किस तक आपने क्रिएटिव ग्रोथ करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म फ्राम दी ऑल अदर, मतलब आपने अदर फर्म के साथ थोड़ी कमिटमेंट थोड़ी नज़र रखनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है उसके ऊपर। सर्वे एज द फ्रेमवर्क एंड एवेलुएट द करंट एक्टिविटीज़, आपने सर्वे करना है फ्रेमवर्क को, क्या कि हमारी करंट एक्टिविटी चल कैसे रही है, मतलब कैसे चल रही है, किस तरह चल रही है।
स्टेटेड क्लियरली सो डैट इज अंडरस्टैंड बाय, मतलब जो आपने स्टेटमेंट देनी है वो क्लियरली होनी चाहिए ताकि सबको समझ आ सके, ठीक है, ये बता रहा है। आगे देखिएगा, कहता है अ गुड मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एंटीसिपेटिंग द कस्टमर, मतलब जारी बात है कि एंटीसिपेट करती है कस्टमर के ऊपर, गुड मिशन हो तो आपका कस्टमर को मोटिवेट मिलते हैं, कस्टमर सोचता है वाकई है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव मिशन है। आइडेंटिफिकेशन कस्टमर नीड्स, जो आप कस्टमर की नीड्स को देखें कि क्या वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट सर्विस टू सेटिस्फाई नीड्स, आपने जो सर्विस और नीड देनी है वो सेटिस्फाई हो सके कस्टमर से, ठीक है। आगे देखें, 88 मिशन फोकस ऑन दी कम्युनिकेशन नॉट टेलीफोन, मतलब आप जो मिशन स्टेटमेंट है फोकस कम्युनिकेशन के ऊपर करना, मतलब सेम टू सेम फेस टू फेस, नॉट वैल्यू टेलीफोन के जरिए नहीं करना आपने। एक्सक्यूज मिशन ऑफ द फोकस एंड एनर्जी नॉट ऑयल एंड गैस, मतलब इसमें ऑयल एंड गैस नहीं आता है, लेकिन आपने फोकस करता है एनर्जी को, एनर्जी ऑयल एंड गैस के अलावा जो भी आपके एनर्जी में आ जाते हैं ना वो आपने फोकस मिशन करने होते हैं, ठीक है, ये वो बता रहा होता है। अच्छा जी, आगे देखिएगा, सोशल पॉलिसी देखिएगा, मैनेजर फिलोसफी एंड थिंकिंग टू द हाईएस्ट लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट द सोशल पॉलिसी, जारी बात है ये आप कॉमन सेंस वाली बात है कि मैनेजर सोशल पॉलिसी क्या होता है, हाईएस्ट रिफ्लेक्ट सोशल पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करना, हाईएस्ट थिंकिंग अच्छे तरीके से उसको प्रोवाइड करना, उसकी फिलोसफी को प्रोवाइड करना, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना, ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये एक सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिफ्लेक्ट होती है। जारी बात है जहाँ कंपनी बन रही है, कहाँ जहाँ जिस एरिया में सोशल जिस एरिया में बन रही है तो उस कंपनी से नुकसान नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव डेवलपिंग द विजन ऑफ मिशन, आपका जो डेवलपिंग इफेक्टिव विजन ऑफ मिशन है ना वो अफेक्ट हो सके डेवलपमेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर एनवायरमेंट एंड मॉनिटरीज कम्युनिकेट एंड अदर ग्रुप्स, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर की, इन्वायरमेंट की और मॉनिटरिंग्स की और कमिटमेंट की टू अदर ग्रुप्स के साथ, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कंज्यूमर का ख्याल रखना है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, ये सारा कुछ करना है आपने। सोशल पॉलिसी शुड बी इंटरगेट इन दी ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब इंटरगेट होनी चाहिए ना आपकी सोशल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ सोशल पॉलिसी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो मर्जी करते जाएं। मिशन स्टेटमेंट इज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर दी कन्वेइंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म, अच्छा मिशन स्टेटमेंट आपको ये भी कन्वे करता है कि आपने एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ना जो कन्वे करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म, मतलब फर्म को बताता है कि ये आपका एक बुनियादी मकसद है सोशल को भी आपने अच्छे तरीके से रखना है, मतलब उसका भी ख्याल रखना। कंपोनेंट ऑफ द मिशन देखिएगा, मिशन स्टेटमेंट वेरी इन दी लेंथ के हिसाब से कंटेंट फॉर्मेट और स्पेसिफिसिटी स्पेशलाइजेशन में आ जाती है ना, इसमें मस्ट इंक्लूड द 9 एलिमेंट्स इन द मिशन स्टेटमेंट इज द मोस्ट पब्लिक एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, मतलब जो ये आपने 9 एलिमेंट्स ये सम चंद एलिमेंट बताए हुए हैं और लेंथ कंटेंट ये इसको इन्वॉल्व करना होता है मिशन स्टेटमेंट में आपने, ठीक है, आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपकी स्पेसिफिसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये है सही है, ये सारा कुछ बताना चाहिए आपको। उसके बाद ये 9 कंपोनेंट है, कस्टमर आपका विजन कंपोनेंट में कस्टमर है आपका, प्रोडक्ट है सर्विस है आपकी, मार्केट आपकी, टेक्नोलॉजी आपकी, सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रोबेबिलिटीज आपकी क्या होनी चाहिए, ये है आपकी फिलोसफी आपकी क्या होनी चाहिए, सेल्फ कंसेप्ट क्या होना चाहिए, कंसर्न ऑफ द पब्लिक इमेज में क्या आपका होना चाहिए, कंसर्न फॉर द एम्प्लॉई क्या होनी चाहिए, मतलब ये अब सिंपल सी बात है कि कस्टमर के साथ आपका क्या रिलेशन है, उसको मोटिवेट करना है, सर्टिफिकेशन करना है, ये मिशन आपका, प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में आपकी सर्वे अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, आपका मकसद ये, फिलोसफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कंसेप्ट फिलोसफी हम पीछे पड़ा हुआ है उसका सेल्फ कंसेप्ट होना चाहिए आपका, कंसर्न ऑफ द पब्लिक इमेज होना, आपका पब्लिक में इमेज क्या है, कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉई आपका एम्प्लॉई के साथ कंसर्न क्या है, ये भी होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ द मिशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन टू द बी आंसर, मतलब कस्टमर व्हाट हु आर द फर्म कस्टमर, मतलब फर्म के कस्टमर कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, व्हाट आर द फर्म मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपकी मेजर प्रोडक्ट सर्विस क्या है आपकी ये बताना, मार्केट जियोग्राफिकली व्हाट वेयर डज द फर्म कंप्लीट, मैं जियोग्राफिकली देना कि आपकी फर्म कहाँ तक कंप्लीट होती है, मतलब जियोग्राफिकली देखना आपने, आप पाकिस्तान और इंडिया लेके चल सकते हो कितना आप चल सकते हो। टेक्नोलॉजी इज द फर्म टेक्नोलॉजी करंट, मतलब क्या उसकी टेक्नोलॉजी करंट है कि नहीं है, अडॉप्ट करता है कि नहीं करता। कंसर्न विद द सर्वे ग्रोथ एंड प्रोबेबिलिटी मींस इज फर्म कमिटेड विद ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब क्या वो कमिटमेंट करती है ग्रोथ के साथ और फाइनेंशियल साउंडनेस के साथ,
फिलोसफी देखिएगा, वट आर द बेसिक बिलीव्स क्या है उसके, वैल्यूज़ क्या है उसकी, एस्पायरेशंस क्या है उसकी, एंड एथिकल प्योरिटी ऑफ द फर्म क्या है उसकी, ये सारी उसकी फिलोसफी है आपकी, ठीक है। सर्व कंसेप्ट में देखिएगा, वट इज द फर्म डिस्टिंक्टिव कंपिटेंट एंड द मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज, मतलब किस तरह आप अपने सेल्फ कंसेप्ट के जरिए कंपिटेंसी से कंपेटिटिव से फायदा उठा सकते हो, ठीक है, फर्म के लिए। कंसर्न फॉर द पब्लिक रेंज देखिएगा, द इमेज देखिएगा, इज द फर्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सोशल कमेटी एंड इन्वायरमेंट कंसर्न। अब ये पब्लिक इमेज में ये करना कि आपका सोशल कमेटी और इन्वायरमेंट फर्म को रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। कंसर्न फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई एज वैल्यूएबल एसेट फॉर द फर्म, क्या एम्प्लॉई वैल्यूएबल है एसेट फर्म के लिए, ठीक है, ये आपने देखना। आगे देखिएगा, ऑल्सो द रिसर्च रिजल्ट एज द मिक्स्ड फर्म विद फॉर फॉर्मल मिशंस, ठीक है, इसमें ये देखिएगा कि रिजल्ट आपका मिशन मिक्स होना चाहिए फर्म फॉर्मल मिशन के मुताबिक स्टेटमेंट में। 2x एवरेज रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब आपका 2x एवरेज होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के जरिए होना चाहिए, और 30% आपका हाई रिटर्न ऑफ द सर्टन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, ये आपका इंपॉर्टेंट ऑफ द विजन ऑफ मिशन में है, जो आपकी इतनी परसेंट होनी चाहिए। ऑल्सो रिसर्च रिजल्ट मिक्स फर्म विद फॉर्मल मिशन, ठीक है, ये होना चाहिए, मतलब इतनी परसेंट एवरेज रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर ही होनी चाहिए। 2x का मतलब होता है कि आपके शेयर होल्डर जितने भी इक्विटी के साथ उसके ऊपर दुगना फायदा हो चुके। पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है कि आपका रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव लिया, 30% हाई रिटर्न ऑन दी सर्टन फाइनेंशियल मेजरमेंट मेयर्स, कि जो आपने फाइनेंशियल मेयर्स कर रहे हो उसको यकीनन तौर पर आपका 30% रिटर्न होना चाहिए, ये कह रहा। पिपास्को मिशन स्टेटमेंट में क्या देख रहा है कि इन द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर, वैल्यू शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करो इन्वेस्टमेंट में। वी डू नॉट थ्रू द सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ को कास्ट ऑफ कंट्रोल करो। विजन स्टेप वाइज इंस्ट्रूमेंट सोर्स लगाओ, मतलब अच्छे इन्वेस्टमेंट सोर्स लगाओ, अकलमंदी से करो इन्वेस्टमेंट। वी बिलीव एंड कमर्शियल सक्सेस डिपेंड ऑन द ऑफरिंग क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर एंड कस्टमर, आपने जो ऑफर करना है अपने कमर्शियल सक्सेसफुली बनाना है तो आपने डिपेंड करना है ऑफरिंग क्वालिटी को, वैल्यूज़ को, जो कस्टमर के लिए सर्टिफिकेट, कंज्यूमर के लिए सर्टिफिकेट कर सकें। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर दी सेव, अच्छे तरीके से सेफ तरीके से प्रोडक्ट कर सको, प्रोवाइडिंग कर सको, होलसम इकोनॉमिकली एफिशिएंट, एनवायरमेंटली साउंड, आपका इकोनॉमिकली भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंटली अच्छा होना चाहिए, एंड प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न टू दी आवर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अच्छा रिटर्न होना चाहिए। एंडिंग टू बी हाइएस्ट स्टैंडर्ड टू दी इंटेग्रिटी, जो बंदा इंटेग्रिटी शो कर रहा है, ऑनेस्टी शो करा रहा है, उसको आपने अच्छा रिटर्न देना है। अच्छा, बेन एंड जेरी मिशन स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द सेल एंड फेनेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आर नेचर्स इन आइसक्रीम, आइसक्रीम में फॉर एग्जाम्पल ऐसा रिलेटेड द प्रोडक्ट द वाइडली वराइटी ऑफ द इनोवेटिव फ्लेवर्स मेड फॉर द वॉर्मेंट एंड द डेयरी प्रोडक्ट, मतलब इसके कई फार्मेट होते हैं, कई उसके रिलेटेड क्रीमिंग के जो इनोवेशंस फ्लेवर होते हैं जो उसको देते हैं। टू ऑपरेट द कंपनी इज द साउंड ऑफ द फाइनेंशियल बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ग्रोथ, मतलब इसको क्या होते हैं ऑपरेट करते हैं कंपनी को और फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर, और उसके ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, इंक्रीजिंग वैल्यू, वैल्यू की शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करे। क्रिएटिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब नौकरियाँ दे, फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को कोई बोनस वगैरह दे दें। टू ऑपरेटिंग कंपनीज द वे डैट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन द सेंट्रल रोल ऑफ द बिजनेस प्ले इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, बिजनेस रोल प्ले करे ताकि उसके लिए सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकें। इनिशिएटिव इनोवेटिव टू द इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इनिशिएटिव इनोवेशन करो कोई भी लाइफ की क्वालिटी को। बोर्ड ऑफ द कमेटी लोकल नेशनल इंटरनेशनल, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो और लोकल हो, इनोवेशन करनी चाहिए। अब ये कंपोनेंट उसने दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन बिन जारी के मुताबिक, कस्टमर उसके पास है नहीं, उसके पास नहीं है प्रोडक्ट सर्विस, इसके पास नहीं है, इसके पास है मार्केट नो यस, कंसर्न फॉर द सर्वेलर ग्रोथ और प्रोबेबिलिटी यस, दोनों के यस यस है, टेक्नोलॉजी नो नो, ये कंपोनेंट दिए उसे समझाया हुआ है बस, ये भी आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, ये एक देख लीजिए। आप देखिएगा की टर्म्स, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें आप, की टर्म कंसेप्ट कंसर्न फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के साथ कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज के साथ होना चाहिए, कंसर्न फॉर द सर्वेलर ग्रोथ एंड प्रोबेबिलिटी एंड ग्रीड स्टेटमेंट, ये पीछे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये की टर्म ऑफ द कंसेप्ट देखिएगा, कस्टमर आपका जारी बात है, कस्टमर आपके लिए बहुत ज़्यादा की टर्म है, मार्केट आपकी बहुत है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिलोसफी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, मतलब की टर्म में क्या सेल्फ
कंसेप्ट है, सोशल पॉलिसी है, स्टेक होल्डर है, विशन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वही जो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज का ये लक्ष्य था, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।